दुनिया में कौन सुखी है। नौशीन माई मुरादा की बेटी है। क्या तुझे किसने बताया? उसने खुद बताया। मैडम अभी तो मैं जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा और तुमसे अपना बेटा छीन कर लेता हूं। आज मैं नौशी आपी से पूछ के रहूंगी कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताए ना नौशी आपी। क्योंकि तुम हमारी सौतेली बहन, सगी बहन नहीं हो हमारी। तू तो खुद जाके देख कर आया शहर में कि इतनी दूर आना जाना बड़ी सहन का मुश्किल है। हाँ मगर क्या करें, सहन की जिद है कि उन्हें अपना इलाज वहीं कराना है। और एक बार जाने से काम नहीं होगा, बार बार जाना होगा, वो जब बुलाएगी जाना होगा। मुझे तो खौफ है कि साईं को पता ना चल जाए, और सैन ने भी मना किया है सरकार को बताने से। लेकिन शहर में रोज आना जाना होगा तो साईं का कोई कारिंदा देख ना ले। तो तू क्या ऐसा नहीं कर सकता कि वो पीरनी इस हवेली में आ जाए? ऐसी पीरनी आती तो है हवेलियों और बंगलों में, मैंने देखा है, लेकिन उससे जाके मालूम करना पड़ेगा कि वो आएगी या नहीं आएगी। कौन या आएगी या नहीं आएगी? हम उस पीरनी की बात कर रहे थे जो हजूर बख्श मिल के आया उसे। मगर वो यहाँ क्यों आएगी? बड़ी सैन, आपके लिए इतनी दूर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो राजी हो जाती है इस हवेली में आना तो मसला ही हल हो जाएगा। बात तो तुम्हारी मुनासिब है, अगर वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे डबल फीस दूंगी। सैन वो पैसे नहीं लेती अपने हाथ में, मैंने देखा है अगर कोई पैसे दे तो वो गुस्सा करती है। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस तू ये कर के ये पता कर कि वो आ रही है या नहीं। जी सर। सकीना तुम खाना लो। जी। प्लीज भाभी मान जाए ना, आप मम्मी से कहेंगी तो वो मना नहीं करेंगी। हीरा तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई हम दोनों से खफा होंगे। अरे भाई को पता चलेगा तब ना, मैं भाई के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। नहीं हीरा, अपने जात से कोई झूठ नहीं बोलूंगी। देखिए भाभी आपको कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? जब तक भाई घर पर आएंगे मैं वापस आ चुकी होंगी तो वो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे, ना आपको झूठ बोलना पड़ेगा, कैसा? भाभी प्लीज, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी, प्लीज मान जाए ना। हीरा ये तो कुछ समझ नहीं हूँ। अरे भाभी इसमें सोचने और समझने वाली बात क्या है, मैं आपकी तो घर जा रही हूँ और वहाँ कुछ देर बैठूंगी, नौशी से गपशप करूंगी और बहुत सारी पढ़ाई भी तो करनी है और फिर वापस आ जाऊंगी। भाभी प्लीज देखे ना, बहुत बोर हो रही हूँ मैं, भाई ने सेंटर जाने से ही मना कर दिया। कम अज कम नौशी से थोड़ी सी बातें करूंगी तो पढ़ाई में भी दिल लगेगा, पढ़ भी लूंगी। जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें भी और नौशी को भी, दोनों जब साथ मिलकर बैठते हो ना तो पूरी दुनिया को भूल जाते। नहीं भाभी पक्का प्रॉमिस, इस बार मैं बिल्कुल पढ़ाई करूंगी, और अगर आपको यकीन नहीं आया ना तो गुड़िया को फोन करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? प्लीज भाभी प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कर लूंगी मैं बात। पक्का? हमारी प्यारी भाभी जिंदाबाद। अल्लाह हमारी इतना जमाना हो गया लेकिन आज तक तुझे समझ नहीं आई। वो माई मैं ना भूल जाती हूँ। नन्नी नादान भूल जाती है, जानती है ना, मुझे जानती है ना। रुकैया अब जरा ध्यान उधर रखो, इस तरह छोड़कर साहिलों को मत आ जाना इधर, देखो मैंने किस तरह सेट किया उन लोगों को। नहीं नहीं जमीला
मैं समझ गई, सब समझ गई, फिर नहीं आऊंगी। 3 साल से सुन रही हूँ कि तू समझ गई है और फिर भूल जाती है। जमीला सब कुछ अकेले संभालती थी, मगर मजाले कोई गड़बड़ हुई हो कभी? और तुझसे काम ही नहीं संभल रहा। अब संभल जाएगा मुरादा वाली सरकार, संभल जाएगा। अगर अब नहीं संभला ना तो मैं तुझे संभाल दूंगी, समझी? चल जा आप, और सैलों का ध्यान रखना। अजीब दिमाग की औरत है, समझ ही नहीं पा रही। और पता है, मैंने फिर इमरान हाशमी को देखा, मैं चलते चलते गई तो वो आगे बैठा हुआ था, और फिर अल्लाह मैं तो उसे देखती रह गई कि मेरे ख्वाबों का शहजादा यहाँ मुझसे मिलने पाकिस्तान। अरे यार क्या मुसीबत है, मैं कब से तुझसे बातें की जा रही हूँ और तू एक मोबाइल में लगी हुई है। अरे यार कभी तो अपने आशिक को अकेला छोड़ दिया कर। तेरा मैं क्या उनको अकेला छोड़ू, 2 दिन से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना मेरी कॉल उठा रहे जमाल, सही ना रिप्लाई कर रहे। कब से मैं उनको फोन कर रही हूँ, उंगलियां थक गई है मेरी मैसेज कर करके। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया? हीरा बहुत बीमारी के बावजूद भी वो मुझे फोन करते थे, मैसेज करते थे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी कॉल करने की, हर वक्त मेरे साथ कॉल पे रहते थे। और अब ये आलम है कि ना कॉल करते ना मैसेज करते। अच्छा तो अब तू क्या करेगी? मैंने सोचा है कि अब किसी भी तरह करके उनके घर जाना है। हैं? लेकिन तू जाएगी कैसे, तेरा तो घर से निकलना मुश्किल है, निकलना बंद किया हुआ है अम्मा ने, और अगर तेरी अम्मा को पता चल गया तो? नहीं नहीं उनको पता नहीं चलेगा। मतलब तू बगैर बताया जाएगी? तेरी अम्मा को पता चल गया तो क्या करेंगी वो तेरा? हीरा अम्मा जब आस्ताने जाती हैं तब मानो गुड़िया भी घर पे नहीं होती, बस उसी दौरान मैं अगर घर से निकल जाऊं और उनसे मिलकर आ जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात तो तू ठीक कह रही है, मगर उसका घर तो बहुत दूर है, तू जाएगी कैसे? रिक्शे से आराम से पहुंच जाएंगे। और वैसे भी हीरा मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तू चलेगी ना मेरे साथ? ना बाबा ना, मैं नहीं जाने की, मुझे मरने का शौक नहीं है, भाई ने मुझे पहले मना किया घर से निकलने से, और वैसे ही इतनी मुश्किल से इजाजत मिली तेरे घर आने की, अम्मा नहीं निकलने देंगी मुझे। हीरा तू बहुत खुदगर्ज है, बहुत मतलब भी है तू, कभी मेरे काम नहीं आती। ठीक है मैं चली जाऊंगी अकेली, तू मर सड़ घर पे। अच्छा ना मेरी बात तो सुन। नहीं करनी मुझे बात, परेशान हूँ, किसी को मेरी परेशानी नजर नहीं आती। हक अल्लाह। सलाम मुरादा वाली सरकार। वालेकुम सलाम। तेरी बड़ी सरकार ने भेजा है तुझे? जी जी मुरादा वाली सरकार। खुद क्यों नहीं आई? माई मुरादा अपना आस्ताना छोड़ के कहीं नहीं जाती, किसी के घर नहीं, सिवाय इसके के बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। माई मेरी सहन को भी आप मजबूरी समझे, उन्हें हवेली छोड़ के जाने की इजाजत नहीं होती कहीं भी, सिवाय रिश्तेदारों के। आपकी बड़ी मेहरबानी मुरादा वाली सरकार, मेरी सहन बहुत परेशान है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस एक घबराहट लगी रहती है उन्हें हर वक्त। अच्छा लेकिन तुझे इंतजार करना पड़ेगा, मैं इस तरह अचानक अपना आस्ताना छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कल आ जाता हूँ आपको लेने, आप मुझे कल का टाइम दे दें। जमीला जी, तू रुकैया को कह दे कि सिर्फ 5 कूपन दे कल, मैं जोहर पढ़ के इसके साथ चली जाऊंगी। जी माई मुरादा। तू 1 बजे आ जाना। ठीक है ठीक है मुरादा मेरी सरकार। चलो अकल्ला। तुझे मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करें साईं।
वो लड़की नौशीन आती है ना मेरे पास, उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा। समझ गया साईं। आज सारा दिन मैं नौशीन का फोन नहीं उठा, वरना मैसेज को चला दिया, कहीं कल वो यहां ना आ जाए। मुझे उससे पीछा छुड़ाना है किसी भी तरह। कासिम, हो कासिम? जी जी साईं। तुझे मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करें साईं। वो लड़की नौशीन आती है ना मेरे पास, उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा। समझ गया साईं। नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कोई उसे, बस घर के अंदर दाखिल ना हो, वॉचमैन और सारे मुलाजिमों को समझा दे। जो हुक्म साईं। मेरा पूछे तो बोलना गाँव गए। आप फिक्र ना करें साईं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इस घर से उसका आप कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, याद रहे। जी सर। मानो तू मुझे पहले ही बता देती बेटा, मैं तावीज दे देती, इसका बुखार अब तक उतर चुका होता। अम्मा दिन में बुखार नहीं था, बस सर में दर्द का बता रही थी, मैंने अदरक वाली चाय भी बना कर दी थी। जाने क्या हो गया है मेरी बच्ची को, आए दिन बीमार पड़ जाती है, बड़ी बुरी नजर है इस पर, मुस्तकिल इलाज करना ही पड़ेगा। आपको क्या पता अम्मा कि ये बदनजर आपके अपने घर में मौजूद है? आपको क्या पता कि आज क्या हुआ है गुड़िया के साथ और नौशी ने कितना जालिमाना सलूक किया? मैं जानती हूँ मानो, तू गुड़िया से बहुत मोहब्बत करती है, शानों के जाने के बाद उसकी जगह तू नहीं संभाली है, इसका बहुत ख्याल रखा कर बेटा, बहुत ध्यान रखा कर इसका। जी अम्मा। क्या सोच रहे है बेटा? कुछ नहीं अम्मा। भूल जा पुरानी बातों को। पुरानी बातों के साथ साथ पुरानी आदतें भी खत्म करनी पड़ेंगी मुझे। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँ साफ सुथरे तरीके से। अल्लाह तुझे तेरे नेक इरादों में कामयाब करे बेटा। अम्मा मैं चाहता हूँ कि नौकरी ढूंढू और घर की जिम्मेदारियां उठा लूं। मुझे यूं हालिया क्या यूं दूसरों के घर पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें बेटा, वो तेरे अप्पा का ऑपरेशन कराना था ना, तो सिलाई वाली बाजी से उसने बहुत कर्जा उठा लिया, अब दिन रात सिलाई करती है उसी को पूरा करने के लिए। ये कर्जा मेरी वजह से चढ़ा है ना, इस कर्जे को मैं ही उतारूंगा, दिन रात मैं मेहनत करूंगा। आप कमेटियां डाल लीजिएगा ना, लेकिन आलिया का यूं घर से बाहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ 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 नहीं जाएगी, लेकिन तू पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, आलिया को मैं मना कर दूंगी ना, मैं कह दूंगी उसको नहीं जाएगी। मैं कल ही नौकरी ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, आप बस परेशान ना हो, दुआ करिएगा मेरे लिए। हाँ बेटा मैं दुआ करूंगी तेरे लिए। जी साईं, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे एक काम करना होगा नजीरा। जी साईं, हाजिर हूँ, हुक्म करें। वो लड़की है ना सोनी, उसको इधर के तौर तरीके सिखा रहे हैं।
یہاں کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا. اب میرے بارے میں بتانا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. جی سائیں. دو تین دن میں سب کچھ سمجھا دے اسے. سائیں ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ پوچھو. کیا میری ڈیوٹی آپ اس کو دینے والے ہیں؟ تیری ڈیوٹی نہیں، اپنی ڈیوٹی اسے دینا چاہتا ہوں. نکاح کر رہا ہوں اس سے. نکاح؟ تجھے اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں سائیں، مگر سائیں اس لڑکی کا کوئی اتھا پتا، ماں باپ، کوئی خاندان والوں کا تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. جمال خان نے کبھی بھی خاندان، حسب نسب اور دولت پیسے کو نہیں دیکھا، صرف شرافت کو دیکھا ہے. تم نے دیکھا نا، اس سے پہلے بھی جو جو لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں سب غریب چھوٹے گھرانے سے تھیں، لیکن شریف تھی. جی سائیں. بس آج سے اس کو یہ سب کام سمجھا. ٹھیک سر، اب میں جاؤں. منجو میری ڈیوٹی. گڑیا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ نا گڑیا. کیا ہو گیا جمال سائیں کو، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ادھر میری جان پر بنی ہے، کسی بھی وقت صغرا خالہ رشتہ لے کر آئیں گی اور اماں ہاں کہہ دیں گی. میں سب بتا کے بھی آئی تھی جمال سائیں کو، اور آج تو ان کو رشتے کے لیے آنا چاہیے تھا. ہائے کیا کروں اب. شکر ہے میری جان کا بخار اتر گیا. کیا سوچ رہی ہو؟ اماں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے بیٹا؟ ماں کے لیے تو اس کی اولاد اس کی دنیا ہوتی ہے. آپ مجھے کبھی بھولیں گی تو نہیں نا؟ آپ مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا گڑیا؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ ارے اگر مائیں مر بھی جائیں نا، ان کی روح اولاد کے گرد طواف کرتی رہتی ہے، تو میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گی؟ گڑیا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ نا گڑیا. میرا بچہ کیا ہوا بتا نا مجھے، کیوں رو رہی ہو؟ ماں مجھے کبھی چھوڑ کے مت جا، مجھے کبھی خود سے الگ مت کرنا نہ میں مر جاؤں گی. نہیں نہیں گڑیا، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ مرے تیرے دشمن، میرا بچہ تو میری جان ہے، میری زندگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری شہزادی ہے تو. تو میں تجھے کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی گڑیا؟ یہ کیا ہو گیا بیٹا، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں. بانو تو کیا کر رہی ہے کچن میں، چل نکل یہاں سے. میں گڑیا کے لیے سوپ بنا رہی ہوں، مجھے 5 منٹ دے دو بس. اوف کیا ضرورت ہے اس چڑیل کے لیے اتنی محنت کرنے کی؟ سوتیلی بہن ہے ہماری، سوتیلی بہنوں والا سلوک کیا کرو، سر چڑھ جائے گی ورنہ. مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. ابے یہ ہوئی نا بات. اس دنیا